हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रो गेम्स। वेल दोस्तों, आप सभी की फरमाइश में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उन सभी क्वेश्चंस का मैं जवाब लेकर आया हूं। तो गाइस, बिग टाइम अर्ली एक्सेस चेयर वीआईपी पास आ गया है, चाहो तो रिडीम कर सकते हो यदि आप होल्ड करके बैठे हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस के अगर तो आपका जो चेयर वीआईपी पास है फाइनेंस में है, तो वहां से आप विड्रॉ कर लीजिए मेटामास्क वॉलेट में ऑन बीएससी एड्रेस। रिमेम्बर, बीएससी एड्रेस पे करना फाइनेंस से, अदरवाइज ओके फीस बहुत ज्यादा लग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चेयर वीआईपी पास कैसे जो है वो रिडीम करना है, ताकि आने वाले 4-5 के बाद आप गेम प्ले स्टार्ट कर सको। सेकंड इज दैट, क्या क्या रिवॉर्ड मिलने वाले हैं जेड वीआईपी के पास में, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पेस एनएफटीज की बात की जाएगी, कौन सी आपको स्पेस बाय करनी चाहिए, किस रेयरिटी के बेस पे बाय करनी चाहिए, टोटली डिपेंड। पहली तो ये चीज वो आपके डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, कि मैं अपने कोर्स वगैरह रखूंगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या है, कैसे है, क्यों है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली 4 कैरेक्टर्स यहां पर रहने वाले हैं गेम प्ले में, कौन सा 2 कैरेक्टर मोस्ट पावरफुल है, वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज़ ये मुझे मोटिवेट करता है, मैं आपके साथ ऐसे ही कंटेंट सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आप न्यू हैं। लेट्स गेट अगेन। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, एनएफटी बिग टाइम में आपको ना सभी के लिंक जो है वो में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ओपन कर लीजिए और अपने अकाउंट क्रिएट कीजिए। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद, साइन अप करने के बाद आपको वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा गाइस। प्रोफाइल में जाओगे तो वहां पर आइडेंटिटी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी, 24 घंटे के अंदर ही वो की आइडेंटिटी वेरीफाई कर देंगे। दैट वुड बी नेशनल आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आप पासपोर्ट वगैरह भी सबमिट कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। बिकॉज अगर आपको $2000 से ज्यादा डिपॉजिट या ट्रेडिंग करनी है इस मार्केट प्लेस में, तो आपको आईडी सबमिट करनी पड़ेगी, वेरीफाई होनी बहुत जरूरी है। रिडीम वीआईपी पास कैसे करना है, आपको यहाँ जाना है, रिडीम वीआईपी पास पे क्लिक करोगे तो इस तरह का कुछ यूजर इंटरफेस आएगा। अब आपको वीआईपी पास है वो कहाँ पर है, कौन सी में है, स्मार्ट फाइनेंस स्मार्ट चेन में है ओके, या फिर बिग टाइम एक्सचेंज फ्रॉम द कलेक्शन में है, जो कि यही है बिग टाइम की मार्केट प्लेस। अगर तो इनमें है तो आप इनमें जा सकते हो, मेरा जो है बेसिकली मेटामास्क में है, तो मैं इसको चूज करना पसंद करूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो इस तरह का कुछ यूजर इंटरफेस आएगा, मेटामास्क कनेक्ट टू योर मेटामास्क वॉलेट, क्लिक ऑन इट एंड देन आप चाहो तो अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो वॉलेट के थ्रू। तो मैं यहीं से ऐसे ही कर लेता हूँ, यहाँ पर सेंड सिग्नेचर रिक्वेस्ट करनी है, सिंपली साइन इन वीआईपी एक्सेस डीम रिडेम्पशन डेट। तो गाइज रिमेम्बर, 4-5 मिनट तक का टाइम ले सकता है, कभी कभी होता है क्विक जो है जेड वीआईपी पास कर आउट कर लेगा आपके वॉलेट के थ्रू, अदरवाइज कभी कभी 3-4 मिनट का टाइम ले लेता है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड देन क्लिक ऑन द रिडीम बटन। और रिमेम्बर, अगर आप इसको रिडीम करते हो तो आपका जो जेड वीआईपी पास है वो बर्न कर दिया जाएगा। और रिमेम्बर गाइज, एक बार ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो गई, ये वीआईपी पास जो है वो गया आज लगेगी। और रिमेम्बर, आपको ना पेज रिफ्रेश नहीं करना है, कीजिए जब तक ये कंफर्मेशन नहीं हो जाता, गलती से भी वो रिफ्रेश नहीं करना है। अगर आपने रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ साफ लिखा है, डू नॉट अटेम्प्ट टू रिडीम योर वीआईपी सेकंड टाइम, दूसरी टाइम आप रिडीम शायद नहीं कर पाओगे, तो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम और आपके जो पैसे हैं वो डूब भी सकते हैं, बी केयरफुल। तो हे गाइस, फाइनली यू हैव सक्सेसफुली रिडीम अ जेड वीआईपी पास एक्सेस, यू विल बी ग्रांटेड एंट्री इनटू द बिग टाइम अर्ली एक्सेस पास ऑन June 7, 2022। 4 दिन के आसपास का टाइम रह गया, फटाफट से ग्रैब कर लीजिए अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज मिस हो सकता है। क्लिक बिलो टू डाउनलोड द बेन लॉन्चर, ये लॉन्चर मैं बाद में डाउनलोड कर लूंगा। तो आपको भी सेम प्रोसेस करना है और अपना वीआईपी पास जेड का रीडिंग कर लेना है, और 7 तारीख को आपका गेम प्ले जो है मेरे साथ ही शुरू हो जाएगा। वेल, आई एम मेकिंग अ टीम। बेसिकली सबसे ज्यादा अर्निंग करने का मैं प्रोसेस एक बताता हूँ आप, अगर आप टीम बनाकर चलते हो, लाइक इसमें कहा जाता है कि एक पार्टी, मतलब 6 प्लेयर्स की अगर पार्टी लेकर जाते हो किसी भी डंजन में अटैक करने के लिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चांसेस मिलेंगे एनएफटी अर्न करने के, दैट्स रियली अमेजिंग गाइस। बट अगर आप सोलो वर्सेस खेलते हो, सोलो एक या 2 प्लेयर के साथ, आपको एनएफटी उतनी कम मिलेंगी अर्निंग करने में बाय प्लेइंग दिस गेम, रिमेंबर दैट पॉइंट ओके। मैंने ये बहुत बार सुना है बड़े यूट्यूबर्स के थ्रू, बट ये कहीं लिखा नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, बहुत बार मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था, अर्ली एक्सेस पास बेनिफिट गोल्ड में ये आपको इनसेन ड्रॉप देखने को मिलेगा, सिल्वर में ये वाला, जेड वीआईपी पास में वेल बेसिकली रेयर वाले एनएफटीज देखने को मिलेंगे ओके, म्यूजिक एनएफटीज एज वेल स्पेसिस वगैरह। तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, बट रिमेम्बर गाइज, अब आपके पास सिर्फ 3-4 दिन आपके पास अवेलेबल है, तो ये 3-4 दिन ना थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देखो, लोग कैसे खेल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप पहले 3 दिन वेस्ट कर देते हो सिर्फ सीखने के लिए कि गेम को खेलना कैसे है, पॉकेट वॉच को देखना कैसे है एंड ब्ला 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 ओके। सेटिंग्स आपको पूरे दिमाग में बैठी होनी चाहिए बाय वॉचिंग द वीडियोस ऑन द यूट्यूब, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे पास सिर्फ ये 3 हफ्ते हैं जेड वीआईपी पास लिए, और इसके बाद पब्लिक लॉन्च कर देंगे, और जैसे ही
पब्लिक लॉन्च होगा। तो गाइस यू डोंट आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि एनएफटी जो ड्रॉप रेट है वो पूरे वर्ल्ड के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक दिन में एनएफटी अर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जेड वीआईपी पास का फायदा उठाइए बाय प्लेइंग दिस गेम लाइक 7-8 घंटे तो मिनिमम खेलिए, मैं तो इतना रिकमेंड जरूर करूंगा। तो यहाँ पर एक विकिपीडिया इन्होंने शेयर किया है बिग टाइम का, टोटल इन्होंने बताया है, ठीक है। मैं आपको सिंपली बेसिस के बारे में बताऊंगा, बेसिकली इन चीजों के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट इन फ्यूचर में स्ट्रेटजीज वगैरह धीरे धीरे जैसे गेम प्ले आता है आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। बट रिमेम्बर, आपको यदि थोड़ा डिटेल में जानना है इस प्रोजेक्ट के बारे में तो यहाँ विकी में जाओगे, यहाँ स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ पढ़ सकते हो, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। ओके, यहाँ गेम प्ले के कंट्रोल्स वगैरह आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, ये इतने सारे तो कीज हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी क्या क्या कौन से कीज करने वाले हैं वर्किंग पे। ऐसे ही वॉक के लिए बहुत कुछ बताया हुआ है। तो ऐसे ही मार्केट प्लेस के बारे में बताया, इकोनॉमी के बारे में बताया, तो मैं आप बता देता हूँ स्पेस के बारे में, बेसिकली आपको कौन सी स्पेस बाय करनी चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों 4 करेक्टर्स हैं अवेलेबल, एक तो टाइम वॉरियर और क्वांटम फिक्सर, ये 2 करेक्टर बहुत पावरफुल है एज कम्पेयर टू अदर। ओके रिमेम्बर, तो मैं जो है अपना पर्सनल डिसीजन लेने वाला हूँ कि मैं टाइम वॉरियर को पिक करने वाला हूँ एज एवतार और करेक्टर, आप समझ सकते हो। यहाँ पर अर्ली एपिक अर्ली एक्सेस एनएफटीज यहाँ पर एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा अर्ली एक्सेस पास वालों को, यहाँ पर लेजेंडरी अर्ली एक्सेस में ये वाले एनएफटीज मिलेंगे। ओके, यहाँ सिल्वर पास वाले को ये एनएफटीज मिलने वाले हैं। अब जेड पास वालों को क्या मिलेगा एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है क्योंकि अभी तक इसका कोई पोस्ट मुझे मिला नहीं है, बट हाँ अगर आपने देखा हो कहीं तो प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पर चेक कीजिए टाइमलाइन के लिए हिसाब से, यहाँ पर एनएफटी स्पेस ड्रॉप्स होंगे, पॉकेट वॉच इंप्लीमेंट, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बहुत बार बताया कि पॉकेट वॉच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इन द गेम प्ले। जितना ज्यादा हायर लेवल का आपका पॉकेट वॉच रहेगा उतना ज्यादा आपको गेम खेलने का मजा आएगा, बिकॉज उतने ज्यादा इन्वेंटरी होगी उतनी ज्यादा एनएफटी स्टोर कर सकते हो फॉर प्लेइंग दिस गेम। कस्टमाइजेबल स्किल्स एंड और भी चीजें हैं, और जो चीजें आने वाली है वो ये है, कमिंग सून बेस फीचर्स, टाइम कीपर, फोर्जेस, आर्मरी, एबिलिटी टू हंट फॉर टोकन, डेफिनेटली बिग टाइम टोकन के बिग टाइम टोकन भी तो हंट करने बाय प्लेइंग दिस गेम, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मशीन, डेकोरेटिव एनएफटी, स्पेस एक्सपेंशन भी आएगा, तो यूज केस बढ़ेगा स्पेस एक्सपेंशन, और जब ये आएगा स्पेसिस के प्राइसेस बहुत ऊपर जाने वाले हैं धीरे धीरे। स्टोरी मिशन, इपोक सिटी, ट्रैवल टू डिफरेंट टाइम शेयर्स। ओके, तो अभी चलते हैं स्पेसिस की बात कर लेते हैं। बेसिकली अभी जो करंट प्राइस चल रहा है $130 के आसपास चल रहा है, लास्ट टाइम $70-60 के आसपास इसका प्राइस डाउन चला गया था इजिली, और जिन्होंने उस टाइम पे बाय किया भाई उनका पैसा तो ऑलमोस्ट डबल हो ही चुका है, अमेजिंग। मैंने खुद ने एक लेजेंडरी स्मॉल स्पेस बाय की $600 पे, अभी इसका $300 के आसपास प्राइस चल रहा है, मोर देन 50% डाउन है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहो तो इसको ग्रैब कर सकते हो, अदरवाइज मिस भी हो सकती है। पैसा अगर अच्छा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा माइस्टिक स्मॉल स्पेस ले लीजिए, $500 में मिल रही है यार, कम ऑन यार, इसको मिस मत करना, अगर $500 है आप रिस्क उठा सकते हो, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं जस्ट अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ, दिस कुड बी द बेस्ट एनएफटी, मैं बता रहा हूँ $500 में ये एनएफटी अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो ले लीजिए। अब बात करते हैं कौन सी एनएफटी क्यों लेनी है, यहाँ पर पिक है मैंने शेयर की है। ओके, आप इसको देखिए, पहले नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम कीपर, मैंने आपके साथ पहले भी कई बार बात की है कि जो टाइम कीपर है जो एक बंदा होता है काला सा, वो बहुत सारे सैंड बॉक्सेस रखता है, वो इतना के टाइम होते हैं, जितने ज्यादा वो आपके पास होंगे उतने ज्यादा पब्लिक टाइम में आप गेम प्ले कर सकते हो डेली बेसिस। तो ये टाइम कीपर क्या करता है, या तो ये नए बनाएगा क्या, या फिर रिचार्ज करेगा आपके पुराने वाले आर ग्लास को, और ये जो है पोस्ट लेता है 2 स्पेस सॉकेट्स। तो अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है 2 सॉकेट की, तो आप टाइम कीपर से काम निकलवा सकते हो और इजिली गेम खेल सकते हो। तो अगर आप 2 सॉकेट वाली स्पेस चाहते हो तो डेफिनेटली आपको क्या करना है भाई, आपको ना सिंपली आना है, ये $130 की एनएफटी मिल रही है रेयर स्मॉल स्पेस की, ये रहा रेयर स्मॉल स्पेस जो $130 के आसपास है, इसके पास 2 सॉकेट्स अवेलेबल हैं, ये 1 और 2, ऐसे मीडियम में 3 है और लार्ज वाले में 5 है। तो अब चलते हैं फोर्जेस की बात कर लेते हैं, अगर आप चाहते हो कि टाइम कीपर के साथ साथ जो आपको आर ग्लासेस वगैरह प्रोड्यूस करके देगा या रिचार्ज करके देगा, उसके अलावा और फीचर चाहते हो कि आप अपने स्पेसिस में और ज्यादा यूटिलिटी कर सको, जैसे कि आप अपनी एनएफटी को अपग्रेड करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास 3 सॉकेट्स अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि 2 प्लस ये हो गई, 3 प्लस ये हो गई, 2 3 5 सॉकेट
ईयर्स हो गए टोटल। तो यहाँ पर 4G यूजेस दी पावर ऑफ टाइम टू क्राफ्ट एंड अपग्रेड एक्सक्लूसिव NFTs पोस्ट 3 स्पेस सॉकेट। तो यहाँ पर 4G जो है 3 स्पेस सॉकेट्स लेने वाला है, चार्ज करने वाला है एंड आप अपनी NFTs वगैरह अपग्रेड कर सकते हो टू द नेक्स्ट लेवल। और सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड होने वाले हैं स्पेसिस पे। तो गाइस काफी चीप प्राइसेस में मिल रहे हैं, चाहो तो आप ले सकते हो। बट अगर आप 5 सॉकेट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, सिंपली सीधा आप मिथिक में चले जाइए, स्मॉल स्पेस आप ले सकते हो इजिली, जो सिर्फ $500 में मिल रही है। मैंने लेजेंडरी स्मॉल स्पेस ली थी भाई, जिसके सिर्फ 4 सॉकेट्स में, समझ रहे हो, $600 दिए थे। आपको ये इतने हैवी डिस्काउंट में मिल रहे हैं कि मैं क्या बताऊं यार। अदरवाइज अगर आपके पास पैसा है कम तो आप जा सकते हो सिंपली लार्ज वाली में। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो मिथिक में ले लीजिए, एक मिथिक में ले लीजिए और एक ले लीजिए आप लेजेंडरी। भाई आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, $500 की ये मिलेगी, $300 की ये मिलेगी, तो 500 और 300 आपको नियर अबाउट $800 कॉस्ट ही लगेगा, ज्यादा नहीं है। बट आपके पास जो सॉकेट्स हैं 5 और 4, 9 सॉकेट्स हो जाएंगे भाई, और क्या चाहिए। और आप इन दोनों स्पेसेस को कंबाइन भी कर सकते हो और इनका यूज केस भी बड़ा से हो। चलिए ये तो बात हो गई सॉकेट्स की, उनका क्या यूज केस है, आप 4G कैसे कर सकते हो, ठीक है, अपने टाइम कीपर से काम कैसे निकलवा सकते हो ये। और रिमेम्बर जितने ज्यादा आपके पास आर ग्लासेस होंगे उतने ज्यादा आप गेम प्ले कर सकते हो। ओके, अब मैं धीरे धीरे 1 by 1 और भी बहुत सी वीडियोस लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हो बाय प्लेइंग दिस गेम, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, धीरे धीरे मैं सब शेयर करूंगा। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड हिट द लाइक बटन, कंटेंट अच्छा लगा है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज दिस कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। इस प्रोजेक्ट में इतना पोटेंशियल है दैट कैन मेक यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द नेक्स्ट 5 years। तो गाइस इस प्रोजेक्ट को मिस मत कीजिए इन अर्ली फेजेस में, अदरवाइज यू विल रिग्रेट लेटर इन नेक्स्ट 5 years, बट नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, रिमेंबर दैट। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, कीप अर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।